एक वयोवृद्ध व्यक्ति गांव में बड़े परेशान रहते थे, दुखी रहते थे, निरंतर शिकायत करते रहते थे। गांव वाले भी उनसे परेशान थे, उनको कहते थे भाई कहीं मुस्कुराओ, कुछ प्रेम से बातें करो, स्तुति करो, शांत रहो, प्रसन्न रहो। लेकिन गांव वालों के बारंबार संबोधन करने पर भी ये बूढ़े व्यक्ति कभी समझते नहीं थे और निरंतर मायूस रहते थे। गांव वाले भी इनकी बातों से ऊब गए, उनके विषय में सोचना विचारना बंद कर दिया। कई वर्ष बीत चले, अचानक गांव वालों ने देखा कि इस वयोवृद्ध सज्जन के अंदर एक महान क्रांति परिवर्तन आया है। वो मुस्कुराता रहता था, लोगों के साथ प्रेम से बोलने लगा। लोगों ने इनसे पूछा कि भाई ऐसी कौन सी घुट्टी तुमने पी ली जिसके कारण परिवर्तन आया, या ऐसा कौन सा महान क्रांति आपके जीवन में आ गया जिसके कारण आपके रवैये में इतना परिवर्तन। उस वयोवृद्ध सज्जन ने बड़े प्रेम से कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की, जीवन पर्यंत मैं सुख के पीछे भागता रहा लेकिन सुख मुझसे भागता रहा। फिर मैंने विचार किया कि मैं अपने जीवन में सुख को खोजना बंद करूंगा और वर्तमान में भगवान का चिंतन करना आरंभ करूंगा, और भगवान के चिंतन में और भगवान को संतुष्ट करने में वास्तविक सुख है। इसलिए संपत्ति और विपत्ति ये दोनों माया के दो पहलू हैं। चाहे संपत्ति में विपत्ति में भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि आप उनका ही चिंतन करो। इसलिए भागवत में वर्णन आया है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैर सुखम वा उपारमं वा विन्देत भूय तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय ऋषि को, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख का वृद्धि करना चाहता है, दुख को कम करना चाहता है, लेकिन वो देखता है कि अनेक अनेक प्रयास करने पर भी उसके जीवन में सुख कम हो रहा है और दुख और क्लेश बढ़ रहा है। इससे मुक्त होने का कारण क्या है, इससे मुक्त होने का उपाय क्या है? और इसका उपाय ये कि हम अपने वर्तमान में अपनी इंद्रियों को, अपने मन को श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और सेवा में लगाए रखें, और फिर हमारे जीवन में चाहे दुख आए या कष्ट आए, हम केवल कृष्ण को संतुष्ट करने में ही मस्त हैं।